गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ वापस रायपुर, और मैं बहुत थक गई हूँ यार, क्योंकि वापस आने के बाद अगर आप कहीं भी छुट्टियों पे जाते हैं ना, तो वापस आने के बाद घर इतना गंदा पड़ा होता है ना। अब मुझे करनी है उसकी सफाई, क्योंकि मंडे से वो जो अपना रेगुलर रूटीन होता है ऑफिस वाला, वो शुरू हो जाता है। तो मंडे से कोई भी टाइम नहीं मिल पाता है, और मेरे मम्मी पापा फिलहाल तो भोपाल से आए नहीं है। हम वो उनको 1 मंथ रुकने का प्लान था वहां पे, तो वो रुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल आए वो। तो अभी मुझे करनी है घर की सफाई। और जैसे अभी पीछे मेरे रैक्स देख रहे हैं ना, तो मुझे इंडोर प्लांट्स के बहुत ज्यादा शौक है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे टेबल पे, यहाँ पे, मतलब मेरे घर बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं। मुझे बहुत शौक है इंडोर प्लांट्स का। तो अभी जब मैं भोपाल गई थी, मैंने सारे प्लांट्स बालकनी में रखे हुए थे, और अब मुझे वापस से सारे प्लांट्स अंदर रखने हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, जब मैं कहीं जाती हूँ और सारी चीजें मुझे बाहर करनी पड़ती है, और वापस आती हूँ तो फिर मुझे सफाई करके सारी चीजें अंदर करनी पड़ती है। पूरा घर अभी खाली है, क्योंकि मेरे घर मैंने सिर्फ प्लांट से डेकोरेशन किया है। तो अभी मॉर्निंग में उठ के जस्ट मैंने चाय कंप्लीट किया अपना, अब मुझे करनी है सफाई। झाड़ू लेके मैं अभी जस्ट बैठी थी, मैंने सोचा पहले साफ सफाई कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ छोटे छोटे जो वीडियोज है ना, मैं वो शेयर करूंगी कि मैंने इंडोर प्लांट्स कैसे रखे हैं और उनकी देखभाल आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो पहले मेरे जो वीडियोस हैं उस चैनल पे, आर लोधी डिजाइन्स, उस पे मैं मोस्टली ये वीडियोस डालती थी कि आप प्लांट्स कैसे रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स कैसे रखते हैं। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। अभी मेरा घर पूरा गंदा पड़ा हुआ है, तो आज करना है मुझे बहुत काम। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से। अब मैंने कर ली है पूरी साफ सफाई, मीन्स झाड़ू पोछा डस्टिंग और जाले वाले सारी चीजें मैंने कर लिया है। अब बारी है मेरे प्लांट्स को अंदर रखने की। तो कुछ प्लांट्स मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, जैसे ये देख सकते हैं, मैंने सारी जगह छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, उधर पीछे भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये थोड़े थोड़े पौधे मैं छोड़ के गई थी, तो ये तो है, लेकिन जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ पे मुझे प्लांट्स रखने हैं, और एक ये कॉर्नर है, यहाँ मुझे प्लांट्स रखना है, ये कॉर्नर सब अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और वो एक फाउंटेन है, वो जैसे मैंने बनाया था उसके चारों तरफ पौधे रहते हैं, अभी वो सारे पौधे भी बाहर है। तो अब बारी है सारे पौधों को अंदर करने की। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं, ये है मेरी बालकनी और ये सारे पौधे मैंने रखे हुए हैं बाहर, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। तो गर्मी के लिए हमने यहाँ पे शेड जो आता है ये डाला हुआ था, और यहाँ पे हमने सारे पौधे बाहर रख दिए थे ताकि इनमें पानी देते रहें। तो जब हम नहीं रहें तो हमारी बाई इन सब पे पानी डालती थी, इसलिए अभी ये हरे भरे हैं। और अब इन सारे प्लांट्स को करना है मुझे अंदर। मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने खिड़की पे भी छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं। मेरे घर बहुत सारे प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, आप देख सकते होंगे यहीं से आपको बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। तो करनी है इन सब की सफाई मुझे। और मैं एक छोटा सा दिखाती हूँ व्यू, देखिए कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू। और अभी मैंने सारी चीजें हटा दी, ऑलमोस्ट सब इसके ऊपर रखा है, सोफे के ऊपर ऊपर। तो मैं अब जब पूरा क्लीन कर लूंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का पूरा वीडियो। पहले यहाँ पे मुझे देखना है कि मुझे कौन कौन से पौधे अंदर करने हैं, तो देखते हैं। क्योंकि सारे प्लांट्स जो हैं वो घर के अंदर आप नहीं रख सकते, क्योंकि सारे इंडोर्स नहीं होते। तो जो प्लांट इंडोर होते हैं मैं वो इनमें से देखती हूँ जो मुझे रखने हैं, फिर बाकी सारे यहीं रहेंगे। और ये है प्लेट्स जो हमने खुद ने बनाया था सीमेंट का, जो गमले के नीचे रखने के लिए काम में आती है, ताकि उसके पानी बाहर ना जाए आपके घर पे। तो ये प्लेट्स भी मैंने बाहर रखे थे, तो ये भी मैं अंदर कर लेती हूँ। और
मनी प्लांट है जो सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं इंडोर के लिए, तो ये गमलों में हमने लगा के रखा था और बाहर अभी बहुत दिनों से थे तो ये और अच्छे हो गए। ये भी मैं अंदर लेके जाऊंगी। देखिए कहीं पे भी आप अगर प्लांट रख रहे हैं तो आप कोई सा भी कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए जिस कॉर्नर पे आपको प्लांट्स रखने हैं। जैसा ये एक छोटा सा कॉर्नर है जस्ट सोफे के बगल में, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ चीजें रखनी है तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे रख सकते हैं। अगर आप भी अपने घर पे कॉर्नर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस टाइप की प्लेट मैंने बनाई है, ये है सीमेंट से बनी हुई प्लेट और आप चाहे तो मार्केट में आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, जो पौधे के नीचे हम गमले के नीचे रखते हैं। तो ये मैंने कॉर्नर पे दो प्लेट रख दिए। अब यहाँ पे आपको प्लांट्स थोड़े हाइट वाले लेने ताकि कॉर्नर पे आपको जितना भी हाइट चाहिए उतने आप हाइट के प्लांट्स ले लीजिएगा। ये नॉर्मल मैंने प्लांट लिया है और ये कोई पॉट नहीं है, ये मैंने बहुत पुराना एक कोई डिब्बा था वो मैंने काट के उसपे मिट्टी डाल के पौधे लगाए थे और कलर भी किया होता। अब इसका कलर निकल गया ऑलमोस्ट क्योंकि इसको 2-3 साल हो गए। अभी मैं देखती हूँ आज अरेंज करने के बाद इन सबको मुझे पेंट करना है, ये भी पेंट करना है क्योंकि इसके भी कलर निकल गए, ये भी कलर निकल गए। तो अभी चलिए पहले मैं आपको बता दूं, तो जैसे मैंने कॉर्नर पे ये रखा है और यहाँ कॉर्नर पे ये रखा है, अगर आप इसको थोड़ी सी हाइट देना चाहते हैं तो इसके ऊपर कुछ, इसके नीचे कुछ और रख दीजिए और उस पर ये गमला रख दीजिए तो ये ऊपर और नीचे ऐसी हाइट में ये आ जाएंगे। बट मुझे ऐसा ही रखना है तो मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ। अब बारी है नीचे की, अगर आप चाहे तो नीचे पे भी छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं बट मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रखूंगी। ये भी एक पुराना एक बाउल है जिसको मैंने कलर किया हुआ है, अभी वापस से कलर करना है क्योंकि सारी चीजें फेड हो चुकी है, कुछ स्टोन्स कलर किए थे। ये मैं जनरली यहाँ पे रखती हूँ, आप चाहे तो पानी भर के फ्लावर भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक ही छोटा सा शो पीस है इसे मैं यहाँ पे रखती हूँ और ये आप जैसे जानते हैं मेरे पास बहुत सारे इस टाइप के बेल के ऐसे पेयर हैं तो मैं कलर करके इनको भी साइड में रखना पसंद करती हूँ। और एक के तो चक्के हैं और एक के चक्के नहीं है, वो मुझे लगाने हैं तो वो मैं लगाऊंगी। और ये एक छोटा पुराना बाउल है, इसमें भी पत्थर रखे हैं, इसे मैं वॉश करके इस पे मनी प्लांट डाल के वो भी मैं यहाँ पे रखूंगी। देखिए इस पे मैंने क्या किया है, ये बाउल है और इसको चाहे तो आप पेंट कर लें, ये बहुत पुराना है मुझे भी पेंट करना है वॉश करके। और मैंने यहाँ पे मनी प्लांट लिया है, आप इसको जस्ट इसके अंदर डालिए और इसको कॉर्नर पे रख दीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छा लुक आता है अगर आप मनी प्लांट को किसी भी बाउल में रखते हैं। ये मैं अभी हटा देती हूँ फिलहाल और यहाँ पे हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर आपका हो गया है रेडी और
ये है एक और मनी प्लांट, ये बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। मैंने पहले भी बोला था अगर आप कोई भी इंडोर प्लांट लगाते हैं घर पे तो 10 डेज आप घर के अंदर रखिए, 10 डेज आप बाहर रखिए, क्योंकि इसकी पत्ती है ना इनको बाहर की भी हवा धूप चाहिए होती है। बाहर अगर आप धूप में नहीं रखते तो एटलीस्ट इसे आप छाई में रखें ताकि बाहर की भी हवा इसे मिलती रहे। तो अभी जब मैं वेकेशन पे गई थी तो मैंने सारी चीजें बाहर रखी थी, आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा ये मनी प्लांट लग रहा है। आप इसको कहीं भी अपने कॉर्नर पे इसे सजा के रख सकते हैं। ये मैंने पॉट लिया हुआ था, प्लेन जो पॉट आती है 30-35 रुपए वाली, और इसको मैंने कलर किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं सारे कलर ये निकल चुके हैं, मुझे फिर से सब पे कलर करना है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए ये कलर किए हुए, तो सारे गमलों के मेरे पेंट निकल गए। तो अब मैं धीरे धीरे एक एक दिन करके सारी चीजें वापस से कलर करूंगी और उन पर डिजाइन बनाऊंगी। तो ये मुझे रखना है एक कॉर्नर पे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपना कोई कॉर्नर डेकोरेट करना है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये एक कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर हम बनाते हैं। देखिए ये कॉर्नर कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर टाइल्स एक रखा है, इसको आप चाहे तो पेंट कर सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल कपड़ा बिछाया है इसपे, और ये है ऑयल का जो डिब्बा होता है टीपा, वो मैंने इस पे पेंट किया हुआ है। इसमें मैंने पेंटिंग अभी फिलहाल नहीं की है। इसके ऊपर एक कपड़ा रखा है, और ये है सीमेंट का जो प्लेट होता है वो। अब इसके ऊपर आप चाहे तो डायरेक्ट वो पॉट रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक टोकरी को पेंट करके रखा है, ये मैं रख रही हूं, और ये जो मेरा प्लांट है वो मैं इसके ऊपर रख रही हूं। अब आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसे कॉर्नर डेकोरेट करते हैं तो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक कॉर्नर। आप अपने घर के चारों साइड पे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं, उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये एक कॉर्नर हो गया, अब हमें इस कॉर्नर पे कुछ पौधे रखने हैं। अब बारी है इस कॉर्नर की, तो ये एक फ्रूट की टोकरी है, इसको मैंने पेंट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक साइड स्टूल बनवाया है ब्राउन कलर में से कराया है, ये मैं यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हाइट चाहिए, इसलिए मैंने स्टूल के ऊपर ये रखा है। और इसके ऊपर अब मैं अपने प्लांट रखती हूँ। तो ये है बर्नी जो हम अचार डालने के लिए यूज करते हैं, ये पुरानी थी तो मैंने इस पे कलर कर लिया, और ये मनी प्लांट इस पे लगा दिया, एक लकड़ी लगाया पीछे सपोर्ट के लिए और मैंने मनी प्लांट लगाया। अब इसे हम रखते हैं कॉर्नर पे। अगर आप चाहें, अगर आपका स्टूल नहीं है तो आप जो हाइट वाले प्लांट्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, जैसे पाम ट्री होते हैं वो आप रख सकते, सॉरी पाम के जो प्लांट्स होते हैं या एरिका होते हैं वो आप रख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी हाइट होती है। अब यहाँ पे हमें हाइट वाइज यहाँ पे और छोटे छोटे प्लांट्स रखने हैं। अब बारी है यहाँ पे रखने की, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रे ऑलरेडी रखा हुआ है सीमेंट वाला, मैं बिना सीमेंट के ट्रे के पॉट्स नहीं रखती। तो अब ये एक और है जो हम मिट्टी के बर्तन लेते हैं जिसपे हम खाना बनाते हैं, ये उस टाइप का कुछ पॉट था बट ये टूट गया, तो मैंने इस पे कलर करके ऐसे प्लांट लगा दिया। तो आप ऐसे भी प्लांट्स लगा सकते हैं घर के पुराने बर्तन में, डिब्बो में कलर करके आप बहुत अच्छे से इसको एज अ प्लांटेड यूज कर सकते हैं। तो ये मैं रखती हूँ यहाँ पे, सॉरी ये मैं रखती हूँ यहाँ पे, और ये एक मेरा प्लांट है, ये अभी थोड़ा मुरझा गया है, इसको अंदर रखना बहुत जरूरी है इसलिए मैं इसे ऊपर रख रही हूँ। ये भी मैंने एक पॉट पेंट किया था, इस सब के वीडियो आई थिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और इस पे मैंने कोन से इस पे डेकोरेट किया था, ये मैं रखती हूँ ऊपर। तो अब ये हमारा कॉर्नर हो गया रेडी, अब दूसरे साइड हम सोफे के कॉर्नर पे डेकोरेट करते हैं। अभी ये कॉर्नर डेकोरेट करना है, तो
इसके लिए ये कि एक टोकरी है मैंने पेंट किया हुआ है। मुझे हमें थोड़ी सी हाइट चाहिए तो ये एक बॉक्स है, डिब्बा है जो पेंट किया हुआ है मैंने। आप चाहे तो ईटा या तो कुछ बड़ा सा कुछ ऊंचा सा रख सकते हैं इसके ऊपर। और अगेन ये बर्नी जैसे मैंने वहां पे रखी थी, इसमें भी मैंने एक लकड़ी लगाई है और मनी प्लांट मैंने इसमें लगा के रखे हैं। आप ये जरूर ट्राई करिएगा बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लुक आता है आप कॉर्नर पे अगर इसे रख दे तो। ये काफी 2 साल हो गए मेरे पास, शायद आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे। तो ये ऐसे के ऐसे ही है। अभी मुझे इस पे बड़ी लकड़ी लगानी है, लकड़ी छोटी हो गई है। ये है। और अगर आप चाहें तो इसके नीचे कुछ छोटे पौधे और रख सकते हैं, तो मैं देख के आती हूं। अगर मेरे पास जो छोटे पौधे हों मैं यहां पे रखूंगी। फिलहाल तो मुझे भी कोई प्लांट्स मिले नहीं, मैं अगेन कुछ पॉट में मनी प्लांट या कुछ पौधे डाल के यहाँ पे रखूंगी। ये 2 बेल का पेयर मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे एक फेस्टिवल आता है उसपे ये बहुत मिट्टी के बेल मिलते हैं जिनकी पूजा होती है, तो मैंने इनको और डेकोरेट करके फिर एज अ डेकोरेटिव आइटम मैं घर पे रखती हूँ। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पेयर ऐसे होंगे, आपको सब तरफ दिख जाएंगे वो। तो ये दोनों मैं यहाँ पे रखती हूँ, सेंटर में बाद में यहाँ पे कुछ प्लांट रख दूंगी। तो ये हो गया एक कॉर्नर रेडी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वो कॉर्नर है जो हमने पहले बनाया, फिर वो सेकंड है, फिर वो थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ओवरऑल लुक ऐसा लग रहा है। अच्छा मैं इधर से दिखाती हूँ, शायद तब दिखे। ये आप देख सकते हैं पूरा लुक। आप चाहें तो बड़े बड़े प्लांट्स भी रख सकते हैं क्योंकि ये छोटा एरिया है इसलिए मैंने छोटे से प्लांट्स रखे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो घर है वो नीचे है, ये ऊपर का पोर्शन है, तो ऊपर के पोर्शन में मैं अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स रखना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ऊपर भी एक छोटा सा प्लांट है और यहां भी वॉल पे भी छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, विंडो पे भी है। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको दिखा देती हूँ, ये छोटे छोटे प्लांट्स यहां पे भी लगे हुए हैं। ये मैंने आपको आई थिंक 2-3 साल पहले दिखाया रहा होगा, ये आज तक प्लांट वैसे के वैसे हैं, ये मरे नहीं है। बट बस आपको देखभाल करनी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट को कितना पानी चाहिए, 2 दिन में पानी चाहिए, 3 दिन में चाहिए, 1 बूंद चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, कितना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए प्लांट के अकॉर्डिंग। तो फिर प्लांट कभी मरते नहीं है, बस बीच बीच में मल्टीविटामिन डाल दें वो बहुत है। और ये ऊपर भी लगा हुआ है, मैंने पॉट में सब लगा के रखा है। और ये वाले एरिया पे भी 2-3 प्लांट्स रखे हैं। तो मेरे घर पूरा प्लांट से भरा हुआ है। अब बच गया हमारा ये कॉर्नर, तो ये मैं थोड़ी इस यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे प्लांट रखेंगे। और वो जो कॉर्नर है जो मैंने बताया था फाउंटेन के लिए, उसके बाद हम वहां पे प्लांट्स रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं सिटिंग जो एरिया है यहाँ पे सिटिंग नीचे जो सेटिंग है वो सेट करूंगी। तो चलिए यहाँ पे हम प्लांट रखना शुरू करते हैं। ये पहले जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनको पता ही होगा ये पेंट का डिब्बा है, एशियन पेंट का। इसके अंदर आई थिंक अभी भी पेंट भरा हुआ है, तो इसको मैंने कलर किया है ब्लैक। और इसके नीचे मैं कर लेती हूँ थोड़ी सफाई, फिर हम इस पे बिछा देंगे एक पुराना मैट जो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद मैंने रख दिया ये, फिर ये जो प्लेट है वो रखते हैं ताकि पानी नीचे नहीं गिरे। और ये भी कलर करना है मुझे। ये एक टेरा कोटा का पॉट है जो मैंने अगेन 3 साल पहले ही लिया रहा होगा, ये मैं रखती हूँ यहाँ पे। और
अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो क्लीनिंग के लिए एक चीज मैं बता दूं कि मैं सारा कुछ एक साथ क्लीन नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी दिन यहाँ पे सफाई करनी है तो मैंने ये हटा के यहाँ पे कर लिया, किसी दिन दूसरे जगह की सफाई कर ली। और जो डीप क्लीनिंग होती है, सारा आप बाहर करके करो, वो तो 15 डेज में एक बार ही हो पाता है। बाकी ऐसे आप साइड से कॉर्नर से हटा हटा के सफाई कर सकते हैं। और जब आप पौधों को पानी देते हैं तो पौधों की उसमें मल्टीविटामिन डाल लीजिए, जो उनका केयर करना है, पत्ते काटने हैं, कुछ ऐसी चीजें आप उस टाइम कर सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे देखनी होती है चीजें। आप अगर सोचें कि मैं इकट्ठे 15 डेज 20 डेज में सफाई करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो आपका एरिया गंदा रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सफाई, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक अलग से प्लांट रखती हूँ। ये है एक पॉट जो अभी मुझसे बाहर टूट गया। अब इसे मुझे करना है किसी पे चेंज, क्योंकि नीचे हो गया ये खाली। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं पॉट चेंज करूं, क्योंकि ये वैसे भी टेराकोटा का है। अगर हम पानी भी डालते हैं तो इस पे ये रह जाएगा। तो इसके जो पत्ते सूखे हैं वो मैं हटा देती हूँ। आप ऐसे मनी प्लांट पॉट में लगा के रखें और वो घर पे डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। किसी भी पॉट पे आप लगा सकते हैं। सारे मेरे 2-3 साल पुराने हैं, जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम वीडियो शेयर किया रहा होगा, ये तब के वीडियोस प्लांट्स हैं। अब सभी के कलर निकल गए हैं, अभी फिर से मुझे सारी चीजें करनी है। तो ये हो गया हमारा ये कॉर्नर रेडी। अगर आप कुछ और डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम करते हैं साइड से, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए अरेंजमेंट कर देती हूँ मैं इसके लिए। एक कारपेट बिछा लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये है मैंने विशाल मेगा मार्ट से ये कुछ, इसे क्या बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ये मैंने लिया हुआ है। और ये जब आप खोलेंगे तो ये पूरा एक बेड बन जाता है, मतलब एक इंसान के सोने के लिए ये बेड बन जाएगा। और इसे आप फोल्ड करके इंसर्टिंग यूज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रखा। अब इसके ऊपर हम कुशन्स रखते हैं और बैठने के लिए बिछा देते हैं। तो ये रख दिया मैंने इस पे एक व्हाइट कलर का सोफा कवर, और यहां पे मैं रखती हूँ कुछ कुशन्स। तो ये हो गया आपके सेटिंग के लिए साइड सा कॉर्नर। तो अभी मेरे थोड़े काम कंप्लीट हो गए हैं, मतलब थोड़ा मुझे रिलैक्स है। मैंने ऑलमोस्ट अपना ये जो हॉल है वो डेकोरेट कर लिया है मेरे प्लांट्स के साथ। और अभी कुछ मेरे रूम में बाकी है, थोड़ी क्लीनिंग और थोड़े पौधे रखना। और बज रहे हैं 1:30, और अभी तक ना मैंने नाश्ता किया है ना मैंने कुछ खाया है। और जिस दिन संडे होता है और स्पेशली कहीं बाहर से आप आओ तो यही सारी चीजें होती हैं। तो कपड़े भी मैंने भिगा के रखे हैं धोने के लिए, और आज पूरा संडे सिर्फ साफ सफाई में ही जाएगा, मुझे पता था। सो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे फ्रंट में मैंने कैसे कैसे पौधे रखे हैं। तो चलिए मैं दिखा। तो ये है फ्रंट रूम जहाँ पे मैंने ये पूरा डेकोरेट कर रखा है प्लांट्स के साथ। मैंने पूरी सफाई करी है पहले नीचे की, उसके बाद सारे पौधे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पौधे रखे, यहाँ रखे हैं, ये है, इधर पे भी कुछ पौधे
प्लांट्स हैं, बाकी मेरी हैंडमेड पेंटिंग है। मैंने आपको कभी कभी मैं अपने घर का विजिट कराऊंगी अच्छे से, तो मैंने सारी चीजें आपको बताऊंगी कि मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं हाथों से। जितनी पेंटिंग दिख रही है मेरी खुद की बनाई हुई है। यहाँ पे भी प्लांट्स रखे हैं, दो पेंटिंग लगाई है बना के मैंने, और कॉर्नर पे भी यहाँ पे पौधे रखे हैं, इधर पे भी हैं, सेंटर टेबल पे भी है, इधर कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इधर वॉल पे भी है। तो ये पूरा अभी मैंने ये सेट किया है, पूरे पौधे अंदर किए हैं। अभी सब पौधों में मुझे डालने हैं मल्टीविटामिन्स, उसके बाद मुझे अपने रूम पे थोड़े से पौधे रखने। दिखाती हूँ अभी मैं अच्छे से, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक पेंटिंग बना के रखी है, मैं शायद फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। हाँ ये बेटर है। ये है मेरी एक पेंटिंग मधुबनी आर्ट जो मैंने बनाई है, और ये है बेड, इस पे मैंने अपने कुछ टॉयज रखे हैं, ये मेरे ही टॉयज हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हैंगिंग एलिफेंट वाले, वो भी मैंने बनाए हैं। अगर आपको इन सब के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आर लोधी डिजाइंस। ये प्लांट्स हैं, मैंने इंडोर अपने रूम पे भी रखे हैं प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स यहाँ भी रखे हैं और कुछ रखने हैं अभी। और यहाँ पे मैंने अभी सफाई नहीं की है, ये पूरा इस सोफे पे सामान पड़ा हुआ है। ये आप भी घर पे बना सकते हैं, हैंडमेड है ये भी। तो इसकी सफाई हो गई है, अब मुझे कुछ और थोड़ी बहुत सफाई करनी है। तो ये था मेरा रूम, अभी इधर की भी सफाई बाकी है, अभी तो बहुत सारी सफाई करनी है, तो आज का दिन पूरा चला जाएगा। फिर कोशिश करती हूँ मैं आपको शाम को मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय।